श्रीकाल जी, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बना रहे हैं मूंग दाल का चीला। पनीर की बहुत ही सिंपल सी स्टफिंग इसमें भरेंगे, जिसे हम डेली खाने में अपने ऐड कर सकते हैं। इस डिश को हम ज़्यादा मसाले भी हम यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखें, ये मूंग दाल है, धुली हुई मूंग दाल। इसको मैंने रात को भिगो दिया था। अगर आप रात भर नहीं तो कम से कम इसे 6 घंटे तक आप ज़रूर भिगाएंगे। भिगो के इसको मैंने पीस लिया है। पीसते समय बहुत ज़्यादा पानी मैंने इसमें नहीं डाला है, ये ठीक सा है हमारा बैटर। ये कम पानी में भी दाल अच्छे से पीस जाती है। इसको मैंने पीस लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे बस दो ही चीज़ें, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल सी ये डिश बना रही हूँ, जिसे हम आराम से टेस्ट खा सकते हैं अपने। देखिए, इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने हिसाब से, कितनी आप दाल ले रहे हैं अपने लिए उस हिसाब से डालें। और दूसरी इसमें चीज़ करूँगी मैं ऐड हींग। हींग इसमें आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हींग का फ्लेवर मूंग दाल के साथ बहुत ही अच्छा आता है। तो हींग आप ज़रूर डालिएगा। हालांकि पंजाबी लोग हींग अपने खाने में यूज़ लगभग ना के बराबर करते हैं, लेकिन मूंग दाल में हींग ज़रूर डालनी चाहिए। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई हमें हवा नहीं भरनी है, नॉर्मली सा मिक्स करना है, हवा नहीं भरनी है इसमें। अब ये होगी हमारी दाल तैयार चीले के लिए। अब मैं आपको स्टफिंग बताती हूँ। स्टफिंग में भी ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे हम। ये मैंने लिया है पनीर। पनीर को हमें ग्रेट नहीं करना है, फोक से हमें थोड़ा मोटा मोटा सा ही इसे मतलब इसे थोड़ा थोड़ा दबा के कर लेना है, जिसे थोड़ा मोटा मोटा ही रहे। दो तीन चीज़ें ऐड करूंगी। एक मैं कर रही हूँ ये काली मिर्च ऐड, और ये चाट मसाला डालेंगे हम। नमक हमने दाल में भी डाला है तो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और ये हरा धनिया बारीक कटा हुआ, बस। और कुछ भी प्याज टमाटर, बस कुछ भी हमें ऐड नहीं करना है इसमें। अपना नॉन स्टिक पैन, एक तवा गरम कर लेंगे, और उसे बिल्कुल हल्का सा, इसमें हम तेल भी कम ही यूज़ करेंगे। और एक कच्ची भर के हम इस पर डालेंगे इसको, और बड़े आराम से फैलाएंगे, और बहुत आराम से फैलता जाएगा ये। जितना भी छोटा बड़ा बनाना चाहे अपने हिसाब से आप बना सकते हैं इसको। आराम से हो गया ये। अब फ्लेम कर देंगे थोड़ी देर के लिए तेज, और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसके ऊपर। इसको पकने देंगे। ऊपर से हम थोड़ा सा इस तरह से प्रेस सा कर देंगे कि ये जो कच्चा कच्चा सा है सारा फैला देंगे हम, और बड़े अच्छे से ये पक जाएगा। और ये बड़ी ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। कुछ भी मेहनत नहीं करी हमने, कुछ काटना वटना नहीं पड़ा। सुबह उठ के आप आराम से इसको बना सकते हैं, लेकिन रात को दाल भिगोना मत भूल जाना, तब नहीं बनेगी ये एकदम से रेसिपी। अब हम इसको पलट देंगे दूसरी, इसको दोनों साइड से सेकना है हमें। डोसे को एक साइड से सेकते हैं ना, लेकिन इसको केले को दोनों साइड से सेका जाता है। और इसकी इस साइड पर हम हल्का सा ऑयल लगा देंगे। रखने की जरूरत नहीं है, इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही आराम से बन जाता है। इसको हम फिर से पलट देंगे। देखिए ये अच्छे से सीख गई है। अब इसमें हम अपनी ये स्टफिंग जो हमने पनीर की बनाई है, ये कितनी ज़्यादा या कम भरनी है वो आपकी मर्जी है। और एक बार हम इसको नीचे से फिर थोड़ा सा सेक लेंगे, और बस हमारा चीला तैयार। थोड़ा सा सेकने के बाद इसको हम कर लेते हैं दोनों साइड से, एकदम बढ़िया क्रिस्पी चीला हमारा तैयार है। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। ये एकदम सादा वाली रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है। आप अपनी मर्जी से चाहें कितने भी मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्च, अदरक वगैरह भी आप इसमें डाल सकते हैं अपनी पसंद से।